हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सॉरी आज की वीडियो थोड़ी लेट है, लेकिन आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से AEW अपने कंपनी का एक रसलमिया लेवल का इवेंट करने वाली है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, लास्ट वीक का डायनामाइट शो ऑफ ए जाने के बाद क्या हुआ, रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो के ऊपर क्या हुआ, क्या विंस मैकमैन टोनी खान से डर रहे हैं और जे वाइट का AEW के साथ फ्यूचर क्या है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो की और जानते हैं कि उस शो के ऊपर क्या हुआ। और गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वीकली शोज भी चल रहे हैं, जो कि AEW के साथ ही कंटिन्यू होते हैं, इसलिए हम रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। पर मैंने आपसे कहा है कि मैं रेगुलरली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो का हर एक रिव्यू नहीं करूंगा, मैं हर एक शो के सिर्फ मेन बातों को आपको बताने वाला हूं। और इस वीक के रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो के ऊपर भी कुछ मेन चीजें हुई है जिसके बारे में हम बात करने वाले है, जिनमें से पहली एक चीज थी कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के नए प्योर वर्ल्ड चैंपियन यानी कैटसुरी शिबाटा ने अपनी चैंपियनशिप इस शो के ऊपर सक्सेसफुली चैलेंजर क्रिस्टोफर डेनस के खिलाफ डिफेंड की, जो मैच एक ठीक ठाक सा मैच रहा। और इसके साथ ही हमें क्लूडियो कैसनोली का भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर क्लूडियो से पूछा गया कि उनका नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला है। और इसका जवाब देते हुए क्लूडियो ने कहा कि उन्हें भी नहीं पता कि उनका नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा, पर जो कोई सुपरस्टार क्लूडियो को चैलेंज करने वाला है उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जो बात यहाँ पर क्लूडियो ने कही तो अब देखना पड़ेगा कि क्लूडियो के ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अगला चैलेंजर कौन होता है। और इस सब के बाद हमें शो के मेन इवेंट के अंदर एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला, जहां पर अथेना ने अपनी ROH वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक वन ऑन वन मैच के अंदर डिफेंड करते हुए मियू यामाशिता के खिलाफ एक काफी जबरदस्त मैच दिया है। और ये मैच भी एक पेपरी लेवल का मैच रहा, जहां पर अथेना ने फाइनली यहां पर मियू यामाशिता को इस मैच के अंदर हराकर अपनी रिंग ऑफ ऑनर की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। और यही कुछ बहुत ही बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी शो के ऊपर देखने को मिली थी, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आप रिंग ऑफ ऑनर के पूरे टीवी शो का रिव्यू चाहते हैं या नहीं। पर गाइज फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो चेकआउट किया है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो एक पेपरी लेवल का शो था। और इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 7% बड़ी है। और जहाँ पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 833K व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 877K व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो के व्यूअरशिप के अंदर एक अच्छा खासा जंप है। और इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें 18-49 इज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18-49 इज डेमोग्राफी के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले फिर एक बार 5% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर लास्ट वीक डायनामाइट शो की रेटिंग्स मिली थी 0.28, तो वहीं पर इस वीक की रेटिंग आई है 0.30, जिससे आप समझ सकते हैं कि फिर एक बार 18-49 इज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ी है। और फिर एक बार वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर इस वीक का डायनामाइट शो नंबर 4 पर आता है, जो कि इसके पहले नंबर 6 पर था। जो देखकर आप समझ सकते हैं कि गाइज इस वीक डायनामाइट शो को अपने व्यूअरशिप के अंदर थोड़ा फारी फायदा हुआ है और डायनामाइट शो की रैंकिंग्स भी थोड़ी फारी बढ़ी है। लेकिन गाइज ये कुछ नहीं से तो थोड़ा फार अच्छा ही है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर आपको तो पता ही है कि मैं चाहता हूँ कि व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर जाए। पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ ए जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हमें डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर FTR बनते हुए दिखाई दिए थे नए AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, जिसके साथ ही डायनामाइट शो ऑफ ईयर चला गया। पर गाइज ये शो ऑफ ईयर जाने के बाद भी यहाँ पर कुछ हुआ है, और ये शो ऑफ ईयर जाने के बाद यहाँ पर टोनी खान FTR के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। और यहाँ पर टोनी खान को देख कर FTR भी काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन यही पर FTR ने टोनी खान को अप्रिशिएट करने के लिए टोनी खान को एक पोस्टर दिखाया, जिस पर लिखा था विंस फियर्स टोनी खान। और FTR ये पोस्टर टोनी खान को देना चाहते थे, पर टोनी खान ये पोस्टर लिए बगैर इस पोस्टर से दूर जाकर खड़े हो गए। जो देखकर आप समझ सकते हैं कि गाइज मानो कि यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई कुछ भी कहता है, लेकिन अब भी टोनी खान विंस मैकमैन को उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितने की वो पहले करते थे। और यहाँ पर अब भी टोनी खान के लिए विंस मैकमैन रेसलिंग इंडस्ट्री के एक काफी क्रूशियल फिगर है, क्योंकि टोनी खान ने पोस्टर लेकर विंस मैकमैन की बेइज्जती नहीं की, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज सच में ये चीज दिखाता है कि टोनी विंस की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और
बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं किस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपियर होने के बाद हाल फिलहाल में जे वाइट की AEW के साथ स्टेटस क्या है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा किस वीक हमें डायनामाइट शो के ऊपर जे वाइट अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर आकर जे वाइट ने रिकी स्टार्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया था और इस सबके बाद सभी लोग जानना चाहते थे कि जे वाइट का AEW के साथ फ्यूचर क्या है क्योंकि जे वाइट हाल फिलहाल में फ्री एजेंट थे। और इसी पर बात करते हुए जे वाइट का AEW डेब्यू खत्म होते ही AEW के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जे वाइट भी ऑफिशियली ऑल एलीट हो चुके हैं, यानी कि जे वाइट ने AEW के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और हाल फिलहाल में जो जे वाइट के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट सामने आ रही है वो अपडेट ये है कि शायद जे वाइट का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक मल्टी ईयर डील है जो कि प्रोबेबली 3 साल की हो सकती है क्योंकि नॉर्मली किसी भी सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसका मतलब कि मैं शायद जे वाइट साल 2026 तक AEW के साथ कंटिन्यू करते हुए दिखाई देने वाले है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस 3 साल के अंदर जे वाइट AEW में क्या क्या अचीव करते है और AEW जे वाइट को किस तरीके से ट्रीट करती है क्योंकि गाइस सच में जे वाइट रेसलिंग इंडस्ट्री के एक टॉप स्टार है जो कि पूरी कंपनी को अपने बैक के ऊपर कैरी कर सकते है। और इसीलिए मैं तो चाहूंगा ही कि जे वाइट भी AEW के टॉप सुपरस्टार्स में से एक हो, पर देखते हैं कि ऐसा होने के लिए टाइम कितना लगता है। पर फिलहाल के लिए तो ये कंफर्म है कि जे वाइट AEW के साथ है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते है और बात करते हैं हमारे अगले और सबसे बड़े अपडेट की और जानते है कि किस तरीके से AEW अपना रसलमीनिया लेवल का एक इवेंट करने वाली है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान हमें अपने काफी बड़े अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर टोनी खान ने कहा है कि गाइस टोनी खान पहली बार यूनाइटेड किंगडम के अंदर जाकर अपना एक शो करवाने वाली है जो कि एक काफी बड़ा शो होने वाला है। और ये शो करवाना एक तरीके से टोनी खान का एक ड्रीम था जो कि फाइनली टोनी खान अचीव करने वाले है। पर मैंने इस अपडेट को डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरीके से नहीं बताया था क्योंकि वहां पर उतना टाइम नहीं था, लेकिन गाइस मैं फाइनली आपको बताना चाहूंगा कि टोनी खान ने इस अनाउंसमेंट के अंदर अनाउंस कर दिया है कि टोनी खान हमें काफी जल्दी यूनाइटेड किंगडम के अंदर August 27 को वार्नर मीडिया और वेम्बली स्टेडियम इन दोनों के 100 इयर्स को सेलिब्रेट करते हुए एक काफी बड़ा शो करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस इस शो का नाम है ऑल इन, जो वही शो है जिस शो की वजह से आज AEW कंपनी बनी है। और अगर आपको ये कहानी नहीं पता तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर AEW कंपनी की कहानी सुनना मत भूलना। और हाँ, वो वीडियो काफी पुरानी है इसलिए अगर आपको उस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर यहाँ पर टोनी खान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि August 27 को AEW यूनाइटेड किंगडम के अंदर जाकर वहाँ पर अपना एक काफी बड़ा शो करने वाली है जिसका नाम है ऑल इन। और ये शो यूनाइटेड किंगडम के अंदर वेम्बली स्टेडियम के अंदर होने वाला है, जो कि छोटा मोटा स्टेडियम नहीं बल्कि गाइस एक काफी बड़ा स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी करीब 90,000 पीपल है। और जनरली देखा जाए तो इतनी बड़ी कैपेसिटी WWE के रसलमीनिया की होती है। और इससे आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर जाकर वेम्बली स्टेडियम में AEW अपना फर्स्ट एवर रसलमीनिया लेवल का इवेंट करने वाली है, जिसके लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और गाइस मुझे भी देखना है कि जब AEW पहली बार अपनी कंपनी अंदर रसलमीनिया लेवल का इवेंट करती है तो ये इवेंट कितना बेहतरीन होता है और क्या ये इवेंट सोल्ड आउट होता है या नहीं, और ये इवेंट सोल्ड आउट करने के लिए हमें कौन कौन से ड्रीम मैचेस देखने को मिलते हैं। पर इस सब के बाद आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि AEW के इतने बड़े शो को लेकर आपका क्या कहना है और क्या आपके हिसाब से AEW कंपनी का इतना बड़ा शो एक सक्सेस बन पाएगा या नहीं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?